नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन इज एट द फर्स्ट मिनिमम एडजस्टेंट टू देंट्रल मैक्सिम ऑफ अ सिंगल स्लेट डिफ्रेक्शन पैटर्न द फेज डिफरेंस बिटवीन द हाइगन वेबलेट फ्रॉम द एज ऑफ द स्लेट एंड द वेबलेट फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ द स्लेट विल भी हमारे ऑप्शन हैं पायरेडियन पाई बाय एट पाई बाय फोर या पाई बाय टू रेडियन आ, सवाल सिंपल है आप थोड़ा इसका आंसर आपको या तो पता होना चाहिए नहीं तो भी इसको डिराइव कर लेते हैं ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आधे एक मिनट का सवाल है क्वेश्चन यह है कि आपका सिंगल स्लेट डिफ्रेक्शन पैटर्न है सो यह आपकी स्क्रीन है यह आपका सिंगल स्लेट है सो यहाँ से जब आपके वेव पैटर्न यहाँ पर जा रहे हैं सो मान लीजिए ये डिस्टेंस जो है इसको हम कह देते हैं यहाँ से यहाँ तक आपका ये स्लिट की आपकी वर्थ है बी है राइट सो सवाल ये है कि मान लीजिए इस पी पॉइंट पे यहाँ पे अगर आपका फर्स्ट मिनिमा आ रहा है ये यहाँ पे सेंट्रल मैक्सीमा उसके बाद जो ये आपका पी पॉइंट है यहाँ पे अगर आपका फर्स्ट मिनिमा आ रहा है तो हमें बताना है कि इस वेवलेट और इस वेबलेट जो दो वेबलेट एक यहाँ पे और एक यहाँ पर उन दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस क्या होगा राइट यानी उनके बीच में फेस डिफरेंस बताना है तो ये आपकी वेव है अब इसको नोटिस करेंगे तो ये पाथ आपका अगर यहाँ 90 का एंगल बनाए तो ये पाथ तो दोनों का आपका कॉमन है इसको इरेज कर देते हैं और ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये पाथ आपका डेल्टा एक्स है इस पार्ट डिफरेंस की बात हो रही है नाउ ये वाला पाथ जो है ये आपका अगर बी है विथ uh, आपकी तो ये वाला पार्ट आपका बी बाय टू होएगा ये वाला एंगल हम थीटा कह लेते हैं सो so, इस केस में हम कह सकते हैं कि साइन थीटा uh, जो आपका इस एंगल का साइन थीटा होएगा वो आ गया आपका दैट विल बी इक्वल टू ये आपका हाइपटेनिस हो गया यह आपका परपेंडिकुलर है तो साइन थीटा जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय बी बाय टू सो ये आपका पार्ट डिफरेंस इससे आ जाएगा सो डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू बी बाय टू साइन थीटा ये आपकी हाँ डेल्टा एक्स की वैल्यू हो गई नाउ अगर यहाँ पे पी पॉइंट पे आपका मिनिमा बन रहा है तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि फॉर मिनिमा Uh, इस वाली लोकेशन पे हम कह सकते हैं कि b साइन थीटा दैट विल बी इक्वल टू लेमडा होना चाहिए आपका तभी वहाँ उस पर ही पॉइंट पे आपका मिनिमा बनेगा तो उस बेसिस पे अगर ये b साइन थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे इंसर्ट uh, कर दें सो तो आपका डेल्टा एक्स की वैल्यू हो गई लेमडा बाई टू ना अगर डेल्टा एक्स लेमडा बाई टू है तो डेल्टा फाइव जो है उसको हम ऐसे निकाल सकते हैं कि डेल्टा फाइव इस टू पाए बाई लैमडा मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एक्स ये आपका फेस डिफरेंस है या आपका पार्ट डिफरेंस है डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ रख के आपका आ जाएगा डेल्टा फाइव विल इक्वल टू टू पाई बाय लेमडा मल्टीप्लाइड बाय लैमडा बाय टू और लैमडा और टू कैंसिल हो जाएंगे सो आपका डेल्टा फाइव हो गया पाई सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए पाई रेडियन वुड बी द राइट आंसर